जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है, अदरवाइज उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मेरे साथ अमन जा रहा है, अर्जित सिब्बू को ड्रॉप करने जा रहे हैं हम लोग। सुने पा मूवी का पा मूवी का एक्टर अमिताभ बच्चन हो गया भाई, हंसी कंट्रोल करो 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 भाई, कतई भी तू तो यूट्यूबर हो रखा है भाई भाई। हाय गाइस, सभी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। फिलहाल गाइस रचित ने मेरे को उठा दिया, मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। उसकी फ्लाइट है, वो जा रहा है आज मुंबई। यस, बहुत ही अच्छे काम से और बहुत ही बड़े इवेंट पे वो आपको देखने को मिलेगा आगे। तो वी आर गेटिंग लेट नाउ, हम लोग लेट हो रहे हैं काफी ज्यादा। बस इंस्टाग्राम ये रहा, चलो भाई लेट्स गो। चलो भाई लेट्स गो। और यहाँ पे चल रही है रचित की वीडियो की एडिटिंग जो जल्दी आने वाली है, देख कर आपको मजा आ जाएगा वीडियो। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, रचित सिब्बू भी ऊपर ही है, मैं पहले आ गया हूँ नीचे। तो हम जा रहे हैं अपनी एक्सयूवी से बहुत ही जल्दबाजी में, क्योंकि फ्लाइट छूट सकती है, बिकॉज वी आर लेट और सिर्फ हमारे पास एक घंटा है एयरपोर्ट पहुंचने का। बस हमको अब जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। तो फिलहाल वो लोग आ रहे हैं, मैं नीचे आ गया हूं, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूं। हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे टर्मिनल 3 पे और रचित सिब्बू ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं, इनकी फ्लाइट छूट भी सकती है। अच्छा, बाकी देखते हैं। बाय ब्रो। पत्ते के खा पीट रहा है, फंस गया जैसे सारे। इसको कोई दुख नहीं है, इसकी फ्लाइट छूट भी सकती है। बाय सिब्बू। हेलो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। आई एम मसिंग ब्रो, क्योंकि तेरी फ्लाइट छूट सकती है इसलिए। चलो 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 बाय, हैप्पी जर्नी। मास्क डैशबोर्ड में से ले ले। चलो बाय बाय। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी भाई। जल्दी आना भाई जल्दी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तू। तो गाइस मैंने रचित और सिब्बू को ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पे। सच बताऊं सुबह से इतनी जल्दबाजी हो रखी है ना, क्योंकि मेरी भी आंख नहीं खुली टाइम से और रचित की भी नहीं खुली। रात को तो सोच रखा था कि भाई अलार्म वगैरह लगा लेते हैं, उड़ जाएंगे। ये अलार्म भी नहीं सुनाई दिया हमको और मैं सुबह से ज्यादा व्लॉग भी नहीं बना पाया इसलिए कि भाई और भी लेट ना हो। तो जैसे तैसे फिर मैं जल्दी जल्दी उठा, देख लो मेरी हालत क्या हो रखी है, ना मूड होया ना, बस बेड से उठा सीधा गाड़ी में आगे बैठ गया। तो फिलहाल उन्हें ड्रॉप कर दिया है, अब वो अंदर पहुंच गए होंगे, पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, अभी कॉल करके पूछूंगा, क्योंकि अभी उनके पास से वो सिर्फ एक ही घंटा है और ज़्यादा नहीं है। और चेक इन करने के लिए करीबन 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। हमेशा उसकी हमेशा आदत है, हमेशा ऐसी करता है, जब भी कहीं भी जाना है भाग भाग के, मूवी देखने जाना है भाग भाग के, एयरपोर्ट जाना है भाग भाग के। तो चलो गाइस इनको ड्रॉप कर दिया है और रचित सिब्बू गए हैं मुंबई, बहुत ही एक बढ़िया इवेंट पे गए हैं वो लोग। आपको पता चलेगा वो भी आगे किस इवेंट पे गए हैं, किस ले गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग है वो आप सबके लिए। तो चलो फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, मेरे साथ अभी अमन है, तो घर चल के अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं, नहाते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो भाई इसमें अभी अभी अलर्ट आया है कि पीछे वाले टायर में राइट साइड के हवा कम है, तो गाइस इसमें हवा डलवा लेते हैं, मे बी ये पंचर भी हो सकता है, लेट्स सी। डलवा दे, हवा डलवा ले भाई, ये रहने दे, डलवानी पड़ेगी पता नहीं, वरना तो पंचर हो गया तो धक्के मारोगे इसमें भाई, इस हाथी में धक्के कौन मारेगा। तो ऐसे अच्छा हवा डलवा लेते हैं। तो भाई हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं, ये रहा यहाँ पे हवा डलती है, पंप फ्री एयर लिखा है, फ्री में डलवाएंगे। तो भाई देखो अभी इसमें 32 दिखा रहा है, तो उसमें हवा डलवानी पड़ेगी। तो गाइस मैंने अभी रास्ते से लिया है पपीता, भाई फ्रूट्स वगैरह हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, हमें खाना चाहिए, मैंने सोच लिया अब मैं फ्रूट्स खाया करूँगा। गाइस हम घर पहुँच चुके हैं, गाड़ी लगाते हैं अंदर फिर चलते हैं ऊपर। तो गाइस गाड़ी हमने कर दी है पार्क, चलते हैं ऊपर। अटैक करेगा चल, सेट सेट सेट, गुड बॉय, जल्दी, वेरी गुड। मिक्की माउस उठ चुका है और मिक्की माउस क्या कर रहा है, एडिटिंग। ये क्या चल रहा है भाई? भाई एडिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा माइंड करना पड़ता है, मूवी देख रहा हूँ, मूवी देखो देखो थोड़ा बहुत भाई। अमन जा रहा है अपने घर इतने दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, कोई नहीं आदत पड़ जाएगी, क्यों पड़ जाएगी आदत, हमें तो पड़ गई, हमें तो परसों कह रहा हो जाता है, पता है परसों भाई मम्मी पापा की ना याद आ रही है छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चे हो क्या, कोई बात नहीं भाई, कब तक आ जाओगे ये बता दो तो भाई अमन तो आ जाएगा रात तक, आज रात तक, क्योंकि अमन को काम करना है, वीडियो एडिट करनी है और अमन का भी चैनल आने वाला है बहुत जल्दी, बट नए कंटेंट के साथ। तो भाई
तो चलो गाइस फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ, मैं निकल रहा हूँ क्योंकि विक्रांत मेरा वेट कर रहा होगा और विक्रांत मुझे बहुत सारी गालियां देगा कि भाई तुम कहाँ हो। तो चलो गाइस दोबारा मैं जा रहा हूँ एक्सयूवी से, मेरे को तो लगता है मेरी आधी जिंदगी ना गाड़ी चलाने में निकल जाएगी। सुबह भी गया था एयरपोर्ट छोड़ने, अब दोबारा देखो जा रहा हूँ। तो यार मैं निकलता हूँ अब और मैं आपको बताता हूँ विक्रांत कौन है। विक्रांत एक्चुअली मेरा बहुत पुराना दोस्त है, करीबन 3-4 साल पुराना दोस्त, हम एक साथ काम करते थे पहले। तो गाइस वॉच में चार्जिंग नहीं है, सिर्फ आधी चार्ज हो रखी है तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया इसको गाड़ी में। एंड गाइस विक्रांत मेरा बहुत पुराना दोस्त है, करीबन 3-4 साल पुराना दोस्त है आराम से। बट क्या है ना कि वो जॉब वॉब करता है, फिर वो भी बिजी रहता है, फिर हम भी अपने काम में बिजी, तो इतना मिलना मिलाना हो नहीं पाता। हालांकि काफी दिनों से बोल रहा है कि भाई मिलते हैं, मैं ही डालने जा रहा था भाई सॉरी, तो आज फाइनली हम मिल रहे हैं। तो भाई वो आ रहा है लाइक गुड़गांव की तरफ ही आ रहा है, तो हम मिलेंगे साथ में। हालांकि आप लोग विक्रांत को मेरे व्लॉग्स पे पहली बार देखोगे, शायद आपने कभी पहले देखा नहीं है, शायद वो मेरे व्लॉग्स में किसी में है भी नहीं क्योंकि मिले हुए इतना टाइम हो गया है। तो आज पहली बार देखोगे विक्रांत को, आशीष को, अमन को तो देखते रहते हो। गाइस मैंने कोशिश तो करी कि मैं जल्दी से जल्दी रेडी हूँ बट फिर भी मैं लेट हो गया एज ऑलवेज। तो विक्रांत मेरा वेट कर रहा है मेट्रो पे खड़ा होके, कह रहा भाई तुम आओ तो मैं बताता हूँ मैं अच्छे से। मैं क्या करूँ यार, लेट हो ही जाता हूँ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर हमारे साथ चिमकांडी बहुत सारे रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो वही चलो चलते हैं, फिलहाल जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ मैं उसके पास, देखते हैं भाई के रिएक्शन क्या होंगे इतने टाइम बाद मिल रहा है। हेलो बढ़िया बढ़िया भाई, विक्रांत आ गया भाई। आपसे कह रहा था आज विक्रांत से मिलूंगा, देखो गाइस विक्रांत इज हियर भाई, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बड़ा मिल नहीं पाते। गलती मेरी होती है भाई, गलती मेरी होती है, मानता तुम्हारी है भाई सारी, मैं मानता हूँ भाई। मैंने ब्लॉग में बोला है भाई मेरी गलती है, मैंने सॉरी ही बोला है, गलती सारी तुम्हारी है भाई। जब जब टाइम दो तब तब तुम काम होते हैं कहीं ना कहीं भाई। आज आ गए ना, मिल गए ना, आज मिल गए और भाई सब बढ़िया। बस आशीष और आ जाए, बस अब भंडारी के पास जा रहे हैं, भंडारी आ रहे तेरे पास, भंडारी आ जाए। चले भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल चलो। तो भाई गाइस हम जा रहे हैं अब आशीष भंडारी के पास। तो आज का दिन मेरा दोस्तों से मिलने का है फुल ऑन, क्योंकि रचित तो गया मुंबई। तो गाइस फिलहाल हम आशीष के पास पहुंच गए थे, बट क्या है ना वो ऑफिस में है और ऑफिस वालों की जिंदगी तो यार निकलेगा कब, जब छुट्टी होगी। तो उसका वेट कर रहे हैं करीबन आधा घंटा, तो हमने वेट किया गाड़ी में, फिर हम बोर हो गए तभी हम बाहर आए हैं। भाई क्या खिलाने लाए हुए बता दो। बस अभी शेक पीने जा रहे हैं, यहाँ का सुना शेक बहुत सही है। शेक कौन सा देखते हैं, ओरियो शेक या कोई दूसरा शेक। भाई मैं तो कोल्ड कॉफी पीऊंगा यार, कोल्ड कॉफी मिल जाएगी भाई, कोल्ड कॉफी पी लेंगे यहाँ पे। तो गाइस अभी हम हैं साउथ एक्स की मार्केट में, ये विक्रांत लेकर आया मेरे को क्योंकि यही पास में ही रहता है। तो चलो कोल्ड कॉफी पीते हैं और ये शेक पिएगा। गाइस मैं पी रहा हूँ कोल्ड कॉफी और भाई पी रहा है ओरियो शेक। ओ भाई ये तो देखने से ही बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रेजेंटेशन ही इतनी अच्छी है इसकी। ओ हो हो भाई ये मेरे को साउथ एक्स की मार्केट में लाया है मस्त। अभी हम वो भी खाएंगे क्या, ग्रिल सैंडविच खाएंगे। गाइस हम खा रहे हैं ग्रिल सैंडविच जो विक्रांत ने मंगाया है भाई, अभी देख के टेस्ट करके कैसा लग रहा है। देखने से तो बढ़िया लग रहा है, बाकी खा के पता चलेगा। ओए होए होए एक्सप्रेशन तो दे दो यम्मी वाले भाई बहुत सही है। देख लो ब्लॉग कट होने के बाद बोला भाई घटिया है। नहीं नहीं तुम ब्लॉग छोड़ो ये खाओ पहले। गाइज अभी जस्ट हमने सैंडविच वगैरह खा लिया और कोल्ड कॉफी पी ली, अभी गाड़ी में आके बैठे हैं और बाहर गर्मी इतनी है, मेरी शक्ल देखो मेरे को पसीने कितने आ रहे हैं भाई, मेरे को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है। विक्रांत को तो बिल्कुल नहीं आ रहे, मैं पानी से जी रहा हूँ, मेरे साथ ही चल के आया, एक बूंद पसीना नहीं दिख रहा और मेरे को देखो मैं तो तरो रखा हूँ भाई। हम एसी वाले नहीं है ना है? हम एसी वाले नहीं है। अरे भाई बस ये फालतू की बातें करा लो जितनी मर्जी। तो चलो यार अब जाएंगे भंडारी के पास, उसका ऑफिस बस ओवर हो गया, बुला रहा है कॉल कर रहा है। ये आ गया आशीष। हाँ भाई किसने कहा था लेट आने के लिए, लेट बुलाया तुमने भाई? गवर्नमेंट सर्वेंट है, काम में करना पड़ता है। गवर्नमेंट सर्वेंट झाड़ू मारता है तू अंदर। चल बैठ जा, अनलॉक कर दी गाड़ी, खोलता तभी तो बैठूंगा। कर दी। आशीष क्या हाल है, तो कैसा रहा आज का झाड़ू मारने का काम आपका? भाई ये नहीं डलेगा ब्लॉग में यार, अबे यार क्यों डलेगा भाई, री एंट्री हुई। अच्छा ठीक है यार, ठीक है री एंट्री। और हाथ तो मिला ले, बढ़िया। अरे मास्क तो उठा ले, शक्ल तो दिखा दे, एक मिनट स्माइल आने दे मिस्टर पाल है। तो सर कहां लेके चलना आपको बताओ, अड्डे पे लेके चलो पहले मुझे। अड्डे पे? अड्डा क्या होता है? ओ भाई अभी बाबूजी आया है सरकारी दफ्तर से, बाहर आए हैं इनको, अभी इनको जस्ट पिक किया है हमने और कह रहे हैं इनको कुछ खाना है और वहाँ लेके जा रहे हैं। सर जी कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। ठीक है सर जी, हम लेट तो नहीं हुए, आप 10 मिनट लेट हो। ओह सॉरी सर जी, सॉरी, सैलरी तो नहीं काटोगे सर जी आप? चलो यार ज्यादा मजाक मत बनाओ, चलो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। गाइस आज का दिन बहुत बढ़िया था, विक्रांत से मिलके अच्छा लगा और बढ़िया
इससे भी मिलके अच्छा लगा। और ये जो बंदा है ना, मैं आपको बताऊं, आप सबने पा मूवी देखी है। चल आशीष जा रहा है फिर, बाय बाय, आगे बैठ रहा हूं मैं। अबे बाय, चलो बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, फ्री होके, है ना। चल बाय, चल बाय, चल बाय। गाड़ी कहाँ खड़ी है भाई? सुन, पा मूवी का पा मूवी का एक्टर अमिताभ बच्चन। तो गाइस देखो हुआ क्या, आज आशीष और विक्रांत से मिला, उनको ड्रॉप करने के बाद मैं एक्चुअली घर आ गया था, पापा ने किसी अर्जेंट काम से बुला लिया था मेरे को। उसके बाद फिर मैं घर पे था, फिर मैंने वो काम वगैरह निपटाया पापा के साथ जाके, और अभी जस्ट मैं निकला हूँ गुड़गांव वापस जा रहा हूँ। और फिलहाल मैं अभी एक दोस्त से और मिलने वाला हूँ, जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है स्कूल टाइम का, 8th 9th क्लास से। हालांकि पहले हम बहुत मिलते थे, बहुत घूमते थे साथ में, बट फिर क्या है कि सब बिजी हो गए अपनी लाइफ में। अभी जस्ट मैं उसके घर के पास से निकला था, मुझे याद आया, अरे कार्तिक तो यहाँ रहता है। फिर मैं कहा यार कार्तिक से मिलते हैं आज, तो चलो जैसे विक्रांत से आज मिलवाया, आज आपको कार्तिक से मिलवाता हूँ। जस्ट पहुंचने वाला हूँ 2 मिनट में उसके पास में, और मुझे पता है मुझे बहुत सारी गालियां बकने वाला है वो। ये भी ब्लॉग में डाले, क्या हाल है भाई, क्या हाल है भाई, क्या हाल है। तो गाइस मैं आ गया हूँ देखो कार्तिक के पास, मैंने आपको बताया था मैं कार्तिक से मिलूंगा। और क्या हो गया भाई, हंसी कंट्रोल करो 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 भाई, तो यूट्यूबर हो रखा है भाई भाई। और क्या हाल है, बढ़िया। मैं भाई ब्लॉग में बोलता था कार्तिक से मिलने जा रहा हूँ। तो देखो भाई यही है कार्तिक, मेरा बहुत पुराना दोस्त है स्कूल के टाइम का, हालांकि हम मिल नहीं पाते हैं, बहुत कम रेयरली होता है। वो भी मैं निकल रहा था, मुझे याद आ गया, तो चलो अब कार्तिक के साथ बैठते हैं, गप्पे मारते थोड़े। तो गाइस मैं कार्तिक से मिल लिया, और कार्तिक से मिलके बहुत गालियां सुनी है मैंने, वो गालियां मैं व्लॉग में नहीं सुना सकता भाई। गाली तो दे दो चार। नहीं भाई मैं गाली देता ही नहीं। चल भाई अच्छा लगा यार, दोबारा आऊंगा, कहाँ पहले इतना घुमा करते थे, इतनी यादें है यार साथ में। तो चलो गाइस कार्तिक अब बाय बाय कर रहे हैं, बाय 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 बाय। तो गाइस मैं गुड़गांव पहुंच गया हूँ, तो रात में तो फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको पता ही है मोस्टली रात में ट्रैवल करता हूँ। तो चलो घर चल के अमन से मिलते हैं, मिक्की माउस से मिलते हैं। अमन भी वापस आ गया, अमन घर गया हुआ था आज। तो गाइज मैं घर आ चुका हूँ, फिलहाल अमन तो सो गया और शिवम कर रहा है एडिटिंग। चलो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। ऐसे प्यार देता रहो, लव यू ऑल। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, और ये देखो नीचे लिखा भी आ रहा है, जल्दी से इंस्टा पे मेरे को फॉलो भी कर लो, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लव यू ऑल, बाय।